अमेज़न को बड़ा झटका, लाजमीन ने अपने ही इदारे के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। ब्लैक फ्राइडे पर अमेज़न के मुलाजमीन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न के मुलाजमीन ने एक बार फिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेज़न के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और सहूलियात और हालात बेहतर बनाए जाए। अमेज़न का शुमार जहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर में होता है, वहीं उसके दुनिया के कई ममालिक में स्टोर्स भी मौजूद हैं। जहाँ ब्लैक फ्राइडे के मौके पर ये स्टोर रियायती दामों पर चीजें फरोख्त करता है, वहीं ये स्टोर ब्लैक फ्राइडे पर मुसलसल 24 घंटों से ज्यादा वक्त के लिए खुला भी रहता है। मुसलसल 24 घंटों तक स्टोर के खुले रहने पर जहाँ स्टोर को अरबों डॉलर की कमाई होती है, वहीं ये स्टोर अपने मुलाजमीन को भी इजाफी काम करने के इजाफी पैसे फराहम करता है। अब इसके बावजूद यूरोप के कई ममालिक में मौजूद अमेज़न स्टोर के मुलाजमीन ने ब्लैक फ्राइडे पर मुसलसल 24 घंटे तक काम करने के खिलाफ जाहिर का ऐलान कर दिया है। ब्लैक फ्राइडे पर दुनिया भर में दुकानों और ऑनलाइन स्टोर्स पर अशिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि गुज़श्ता बरस भी ब्लैक फ्राइडे के मौके पर स्पेन, जर्मनी और बर्तानिया में अमेज़न के वर्कर्स ने हड़ताल की थी।